हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता है आप सबके साथ यहाँ पर बातचीत करते हुए और अपने अपने थॉट्स का, अपने एक्सप्रेशन का एक्सचेंज करते हुए। आज सुबह से हम सब बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत आनंद कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठकर एंजॉय भी कर रहे हैं और जो ज्ञान गंगा बह रही है उसको भी ले रहे हैं। इट इज लाइक कि हमारी दसों की दसों उंगलियां घी में है। सो माय टॉपिक फॉर यू इज अबाउट मैसेजेस फ्रॉम द एनिमल गॉड्स। आज सुबह डॉक्टर न्यूटन ने भी करुणा का संदेश दिया, जिसके अंदर उन्होंने जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति करुणा होना और करुणा के भाव को होना, उसके बारे में बताया। तो उसी चीज को आगे रखते हुए हम जानवरों को, पशु पक्षियों को, जो हमारे भाई बहन के समान है क्योंकि हम एक ही माता से जन्म लिए हैं, उनके बारे में और उनके साथ रिश्ता, कनेक्शन बनाने में हम इस सेशन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग शामन मास्टर ने कहा है दैट इफ यू ट्राई टू टॉक टू द एनिमल, द एनिमल एनिमल विल टॉक टू यू, एंड इफ यू डोंट ट्राई टू टॉक टू द एनिमल विल नेवर टॉक टू यू, एंड इफ यू विल नेवर टॉक टू द एनिमल यू विल फियर ऑफ द एनिमल, एंड वॉट यू फियर ऑफ यू विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रॉय। इसका तात्पर्य है कि अगर आप किसी पशु से, किसी पक्षी से बात करेंगे तो वो भी आपसे बात करेगा, अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो भी आपसे बात नहीं करेगा, और जिससे आप बात नहीं करेंगे उसके बारे में आप सदैव डर रखेंगे, और जिसके बारे में आप डर रखेंगे आप हमेशा उसे नष्ट करने का सोचेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड। हमारे विश्व में क्या हो रहा है कि हम एक एनिमल किंगडम पर जो संकट आया और जिसके कारण ये कोरोना वायरस बना, दैट इज व्हाट इज आवर ओन फियर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अस। हमारा खुद का फियर, हमारे खुद के सेल्फिश मोटिव्स हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है मैं 5 वर्ष का था एक बार, और हमारे जिस शहर में मैं रहता था उस शहर में एक बार मदारी आया, उस गली में एक मदारी आया, और वो मदारी के पास 2 बंदर थे और वो खेल दिखाने के प्रयास में उन सबको लेके आया, और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। और खेल का सीन ऐसा था कि जो फीमेल मंकी है वो अपने ससुराल जाएगी और मेल मंकी को पीछे छोड़ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, मदारी नाटक की कमेंट्री कर रहा था और उसने ऐसे शब्द कहे कि देखो, फीमेल मंकी तो चली गई है, बंदरिया तो चली गई है, और ये बंदर पीछे रह गया है अकेला। देखो कितना दुखी है, देखो कितना परेशान है। पर जब हम सब बंदर को देख रहे थे छोटे छोटे, तो हमें बंदर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो परेशान है, क्योंकि वो बंदर खुद की अपनी ही दुनिया में अपनी ही एक चीज को पकड़कर एक एक्सप्लोर करने की, टटोलने की कोशिश कर रहा था। तो मदारी ने फिर से कहा कि देखो ये बंदर कितना परेशान है। उसको था कि शायद बंदर ने सुना नहीं और वो उसी तरीके से जैसे सिखाया है वैसे बोल नहीं रहा है। उसने फिर से कहा और बंदर ने फिर से नहीं सुना, और वो अपने अंदर ही मस्त रहा। वो इधर से फुदक कर उधर जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू हॉप अराउंड। अल्टीमेटली क्या हुआ, मदारी को गुस्सा आया और उसने गुस्से में बंदर को गर्दन से पकड़ा और उसको जमीन में दागा, जमीन में एक तरह से पुश करा, और जैसे ही उसने जमीन में पुश करा वो बंदर इतना डर गया कि वो एक बच्चे के समान रोने लगा। और उस एक्सट्रीम फियर में
ये भी हुआ कि उस ही यूरिनेटेड, ही पीड देयर, कि उसका मल मूत्र भी वही निकल गया। इतना डर उस बंदर के बीच में से निकला। जब मैंने उस बंदर को ऐसे देखा तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शॉक की भावना आई और मुझे ये समझने को मिला कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही जानवरों में भाव होते हैं, वैसे ही वो हम सब जैसे हैं। सो दोस्तों, आज जब मैं इस कहानी को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि जो हमसे कम बलशाली है, जो हमसे कम शक्तिशाली है, उसको हमारी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप उसके सामने अपनी शक्ति दिखाकर उसे बड़ा नहीं बन सकते। आप हमेशा अपनी करुणा दिखाकर उसको अपने साथ कर सकते हैं। सो द वन हु इज लेस पावरफुल देन यू डजंट नीड योर पावर, ही नीड्स द टेस्ट ऑफ योर कंपैशन। सो दैट इज व्हाट एनिमल्स नीड फ्रॉम अस। और फ्रेंड्स, अगर आप उपनिषद्स, हमारे शास्त्रों को, उपनिषद्स को, बाइबल को, बुद्ध के ज्ञान को पढ़ने की सबको कोशिश करते हैं, आप जानेंगे कि उन सब के कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जानवरों के साथ हो चुके हैं। जैसे आप सबको पता होगा वो पहला इंसिडेंट्स बुद्ध का, जब उसने एक एक तीर लगते देखा एक नन्हे से पिजन को, कैसे उसके अंदर करुणा जागी। आई थिंक वो एक बुद्ध का सबसे बड़ा एक पॉइंट था जिससे उसके अंदर सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। हम जीसस को सब जानते हैं, पर जीसस को सब एक भेड़ चराने वाला भी जानते हैं, ही वॉज अ शेफर्ड। हम कृष्ण को जानते हैं, पर कृष्ण को एक गवाला भी जानते हैं। एंड नॉट ओनली जस्ट दिस, आप अगर सारे भगवानों को देखेंगे, उन सब के साथ एक ना एक जानवर जरूर होता है। सो डियर फ्रेंड्स, इट एक्चुअली टेल्स अस कि भगवान के हृदय में भी एक जानवर के लिए कितना प्रेम और कितनी करुणा है। आप किसी भी भगवान को लें, आप शिव को लें, दुर्गा को लें, आप मुर्गोस्वामी को लें, आप लक्ष्मी को लें, हर जन का, हर भगवान का एक पशु है, एक जानवर उनके साथ है जो हमेशा उनकी क्वालिटीज को एक्सेंचुएट करता है, उनकी क्वालिटीज को बढ़ाता है। अगर आप शिव परिवार को देखें, शिव परिवार में चार जन हैं, शंकर भगवान, लक्ष्मी, पार्वती माँ, मुर्गस्वामी और गणेश। इन सबके वाहन देखें, शंकर भगवान का वाहन है बुल, ऑफ कोर्स स्नेक भी है बुल, और दूसरा देवी माँ का वाहन है शेर, गणेश का वाहन है मूषक और मुर्गोस्वामी का वाहन है मोर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन सब जानवरों को इकट्ठे कर देखें, शेर, बुल, मोर, सांप भी ले लेते हैं और मूषक, ये सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। देखिए, सांप मूषक को खाता है, सांप को मोर खाता है, शेर बुल को खाता है। तो एक दूसरे को खाने के बावजूद भी देखे कैसे परिवार में इकट्ठे रहकर ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये एक पहली लर्निंग है हमारे एनिमल किंगडम से कि बिना वजह किसी को तंग नहीं करना। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम द एनिमल किंगडम। आई एम श्योर आप सबने गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना होगा, वो गजेंद्र मोक्ष जिसके अंदर एक 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 एलिफेंट ने, जब वो एक क्रोकोडाइल के चंगुल में फंस गया तो खुद को बचाने के लिए उसने लॉर्ड विष्णु का आह्वान किया और विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर उस एलिफेंट को बचाने के लिए आए। उससे ही, उस प्रार्थना से ही गजेंद्र मोक्ष की
रचना गजेंद्र मोक्ष की क्रिएशन हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विष्णु के 9 अवतार जो अभी तक हो चुके हैं, उनमें से 3 अवतार जानवरों से प्रेरित है, विच इज मत्स्य, कुर्म और वराह, विच इज अ फिश, अ टॉर्टोइज एंड अ बोर और अ पिग। तो देखिए हमारे गॉड्स भी कितने प्यार से इन एनिमल्स को अपने अपने दिल के साथ रखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे कर्मास को रिलीज करने का, जो हमारे बैड कर्मास हैं उनको रिलीज करने का सबसे अच्छा साधन है। जब हम अपने किसी वीक पर अपना कंपैशन दिखाते हैं तो हमारे बुरे कर्म खुद ब खुद नष्ट होने लगते हैं। दैट इज वॉट वी कैन यूज आवर एनिमल्स फॉर, नॉट दैट वी डेकोरेट आवर प्लेट्स विद देम, वी डेकोरेट आवर वार्डरोब्स एंड क्लोजेट्स विद देम। इट इज नॉट फॉर देम, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, दे आर फ्रॉम द सेम मदर दैट वी कम फ्रॉम। हम सब भाई बहन हैं। सो इसी चीज को आगे रखते हुए आज मैं आपको अपने एनिमल गॉड्स से मिलवाने के लिए एक यात्रा पर लेकर जाऊंगा, जैसे लक्ष्मी, जैसे सरस्वती, जैसे ब्रह्मा, जैसे शिवा, इन सब के पास अपने एनिमल गॉड्स हैं, वैसे ही हम सब के साथ भी एक एक या दो दो या कुछ ज्यादा भी एनिमल गॉड्स हम सब के साथ रहते हैं। तो चलिए आज हम इस यात्रा में अपने एनिमल गॉड से अपना वार्तालाप, अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सो आई वुड लाइक यू टू क्लोज योर आईज, जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स, फाइंड अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, खुद को एक सुखद आसन में लेकर जाएं एंड अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आंखें बंद करके एक गहरा लंबा सांस लीजिए नाक के द्वारा लेकर, एक क्षण के लिए अपने भीतर रोककर अपने मुंह से बाहर जाने दें। जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स, रिलैक्स मोर एंड मोर। एक बार फिर से एक गहरी लंबी सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर उसे मुंह के रास्ते से बाहर जाने दें और खुद को डीपली रिलैक्स होने दें। रिलैक्स, रिलैक्स मोर एंड मोर। अब अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर केंद्रित करें। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। हर अंदर आती सांस, हर बाहर जाती सांस आपको एक गहरी लंबी शांति में प्रवेश करवा रही है। Allow yourself to relax. Relax. Relax more and more. अपनी सांसों के साथ बने रहें। हर अंदर आती सांस ला रही है खूब सारी ताजगी, खूब सारी शांति, और हर बाहर जाती सांस आपके बाहर, आपसे बाहर लेकर जा रही है सारा तनाव, सारे अनचाहे विचार। आप रिलैक्स और डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं।
इस समय महसूस करें आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रकाश की गेंद है। यह प्रकाश की गेंद किसी भी रंग की हो सकती है। दिस बॉल ऑफ लाइट विच इज राइट अबव योर हेड कैन बी ऑफ एनी कलर, पर यह प्रकाश आपको शांति और सुकून देने वाला है। दिस लाइट विच इज राइट अबव यू, द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइट इज गोइंग टू ऑफर यू हेल्थ एंड हीलिंग एंड पीस। अलाउ द लाइट फ्रॉम दिस बॉल टू कम डाउन एंड एंटर योर बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड। अनुमति दें इस प्रकाश को इस गेंद में से छलक कर नीचे की ओर आने की और आपके शरीर में प्रवेश करने की। सबसे पहले यह प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र, आपके सर की चोटी को टच करता है और धीरे धीरे उस ब्रह्मरंध्र से यह प्रकाश आपके सर में प्रवेश करता है। सर के सभी अंग पार्ट्स शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश फैलकर आपके चेहरे में जा रहा है। चेहरे की सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं। अगर कोई टाइटनेस, अगर कोई सिकुड़न आंखों के आसपास या आपके जॉ में है, अलाउ इट टू रिलैक्स, लेट इट लूज, इसको रिलैक्स और ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे इस प्रकाश को अपनी गर्दन के भीतर प्रवेश करने दें। अगर गर्दन में आपके गले के भीतर कोई भी हिचकिचाहट है, यह प्रकाश उसे हील कर रहा है, उसे काम कर रहा है और अपने प्राकृतिक प्रवाह से दूसरे शरीर के अंगों में जा रहा है। गले से बहता हुआ यह प्रकाश आपके घुटनों, आपके कंधों, आपके हाथों और बाजुओं में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी छाती में प्रवेश कर रहा है। आती जाती सांस आपकी छाती में एकदम शांत और धीमी हो रही है और आप एक गहरी लंबी पीसफुल स्टेट में, शांतिमय स्टेट में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रकाश धीरे धीरे आपकी पीठ में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश फैलकर आपके पेट के भीतर जा रहा है। पेट के अंदर के सभी अंग इस प्रकाश से भरते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पेट से होकर आपके योनि क्षेत्र में जा रहा है। इट इज एंटरिंग इन योर पेल्विक रीजन। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके थाइज में, आपके जांघों में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी घुटनों और घुटनों से नीचे की टांगों में जा रहा है।
धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पांव में प्रवेश कर रहा है। पांव से जाता हुआ आपकी एड़ियों तक पहुंच गया है। आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। Your whole body is filled with this healing, relaxing, peaceful light. Allow this light to also cover you up from the outside, like a warm and a comforting blanket. अनुमति दे इस प्रकाश को आपको बाहर से भी ओढ़ने के लिए। ऐसा महसूस करते हुए कि इस प्रकाश से भरी हुई चादर में आप खुद को समाये हुए हैं। भीतर और बाहर सब जगह शांतिमय प्रकाश भर चुका है। इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ यू देयर इज ओनली वन थिंग विच इज दिस पीसफुल लाइट। इस शांति की अवस्था में आपका मन और आपका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, पर आपका ध्यान मेरी आवाज के साथ एकत्रित है। इस समय खुद को अनुमति दें कि आप अपनी चेतना को एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में लेकर जाएं। हमारा उद्देश्य इस जंगल में जाने का हमारे एनिमल गॉड से मिलने का है, पशु के रूप में जो हमारे ईश्वर हैं उनसे मिलने का है। तो खुद को अनुमति दे इस जंगल में पूरी तरह खुद को महसूस करते हुए, सोचते हुए कि आप अभी अभी इस जंगल में प्रवेश करे हैं। यू हैव जस्ट एंटर्ड दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में प्रवेश करते हुए आप पहुंचते हैं इस जंगल के इंफॉर्मेशन बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर इस जंगल का एक मैप, एक नक्शा लगा है। आप उस जंगल के मैप को, उस नक्शे को देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जंगल कितना घना और क्या क्या है, कैसे कैसे जीव जंतु पशु पक्षी फल फूल पेड़ वृक्ष, किन सब चीजों से भरा हुआ है। यह सब सूचना पे मैप में बताया गया है। आप इस मैप में ये भी देख रहे हैं कि इस जंगल, घने जंगल के बीच में एक खाली स्थान भी है। राइट इन द मिडल ऑफ दिस डीप डेंस फॉरेस्ट देयर इज अ क्लियरिंग, देयर इज अ वाइड ओपन स्पेस। And this space is a not a normal space. It is that space
where you can connect with your personal animal god. ये रिक्त स्थान साधारण रिक्त स्थान नहीं है, यह वो स्थान है जहां आप अपने पर्सनल एनिमल गॉड से रूबरू हो सकते हैं। मैप को देखकर आप धीरे धीरे खुद को इस यात्रा में लेकर जा रहे हैं, मानते हुए कि आप घने रास्तों से होते हुए आपका उद्देश्य उस खाली जगह पर पहुंचना है जहां आप अपने पर्सनल एनिमल गॉड से मिल सकते हैं। आपको ये बात पता है कि जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे, आप अपने एनिमल गॉड को साक्षात्कार महसूस, देख, सुन, फील कर पाएंगे, जान पाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी यात्रा से चलते जा रहे हैं और आसपास के पशु पक्षियों की आवाजें सुनते जा रहे हैं, वृक्षों को महसूस करते जा रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन खुद ब खुद जाग रही है। आप हर वृक्ष का आभा मंडल देख पा रहे हैं, आप हर फिजिकल चीज को उसकी फिजिकलिटी से बढ़कर महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। Allow yourself to walk, खुद को अनुमति दें इस गहरे जंगल से निकलकर उस रिक्त स्थान में पहुंचने की जहां आपके पर्सनल एनिमल गॉड आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप इस रिक्त स्थान में पहुंचते हैं, इस खाली मैदान में पहुंचते हैं, खुद ब खुद आपके एनिमल गाइड आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखते हुए देखिए कौन सा पर्सनल एनिमल गाइड आपको वहां मिलने के लिए आया है। कौन सा पर्सनल एनिमल गाइड आपको यहां ग्रीट करने के लिए आया है। आपका पर्सनल एनिमल गाइड आपको वहां देखकर बहुत प्रसन्न है। देखें कि आपके पर्सनल एनिमल गाइड की क्या ध्वनि है। व्हाट इज द साउंड ऑफ योर पर्सनल एनिमल गाइड। ट्रस्ट द साउंड दैट यू रिसीव। अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने एनिमल गाइड को उसकी ध्वनि से और जानने का प्रयास करें। अपनी ध्वनि के माध्यम से आपका एनिमल गाइड आपको वहां आने के लिए थैंक यू कह रहा है। एंड एट दिस टाइम, अब इस समय आपका एनिमल गाइड पूरी तरह से साक्षात रूप में आपके सामने आ चुका है। See what you see, feel what you feel। अपने एनिमल गाइड को पूरी तरह से महसूस करें अपने सामने। क्या मैसेज देना चाहता है आपका एनिमल गाइड आपको, उससे वो मैसेज लें। रिसीव दिस मैसेज फ्रॉम योर एनिमल गाइड। आपके जीवन में कैसी क्वालिटीज ये एनिमल गाइड आपका एनिमल गॉड
लाना चाहता है। कैसे आपके जीवन में आपको प्रगति करने के लिए आपका पर्सनल गॉड आपकी सहायता कर रहा है। पूरी तरह से इस वार्तालाप को जिए। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, अगर आपके भीतर भी जीवन के इस समय की कोई भी दुविधा है, आप उस दुविधा को भी अपने एनिमल गॉड के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपका एनिमल गॉड आपको उसके बारे में गाइड कर सके। अब इस समय आपका एनिमल गाइड आपको एक गिफ्ट दे रहा है, एक उपहार दे रहा है। इस उपहार को स्वीकार करें। देखें कि इस उपहार का क्या अर्थ है आपके जीवन में, कैसे आप यह उपहार अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। Trust the gift that you receive from your animal guide. Trust करें, खुद पर भरोसा रखें, जो भी अनुभव आ रहा हो वो आपसे ही संबंधित है। अब इस समय अपने एनिमल गाइड को थैंक यू कहें, कृतज्ञता का भाव अपने एनिमल गाइड को प्रस्तुत करें और कहें, धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए, धन्यवाद जीवन के इस मोड़ पर मेरे साथ होने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। यह जानते हुए कि आप किसी भी समय अपने एनिमल गाइड से यहां आकर मिल सकते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं। धीरे धीरे अपने एनिमल गाइड से थैंक यू कहकर इस स्थान से बाहर आते हुए, जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से बाहर आना है, और धीरे धीरे उस जंगल से होते हुए अपनी चेतना को पूरी तरह से वर्तमान में लेकर आना है। खुद को पूरी तरह से अपने शरीर में महसूस करते हुए और अपने साथ अपने एनिमल गाइड की एनर्जी को भी लेकर आते हुए, एक गहरी लंबी सांस के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। Wonderful, dear friends. Namaste. Welcome back once again. So, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप खुद का कनेक्शन अपने एनिमल गाइड से ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एनिमल गाइड आपके जीवन में कितने उपहार, कितनी क्वालिटीज, कितना कुछ आपके भीतर से एक खजाने के समान निकाल सकता है। आप एक एनिमल गाइड को अपने साथ काम करने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जीवन के छोर में आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आप ज्यादातर लॉयन को अपने साथ इंकरेज कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, एनिमल पर्सनल एनिमल गॉड को इनवाइट कर सकते हैं एज अ लॉयन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको टीचिंग करना है और आप एक टीचर एनिमल गॉड को अपने साथ बुलाना चाहते हैं तो आप डॉग्स को बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हील करना चाहते हैं, खुद की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप कैट्स को, आप स्नेक्स को इनवाइट कर सकते हैं, स्कॉर्पियंस को इनवाइट कर सकते हैं। तो जिस जिस तरीके का आप काम करना चाहते हैं आप उसी प्रकार से उस क्वालिटी के हिसाब से भी अपने एनिमल गॉड को आमंत्रित कर सकते हैं खुद के साथ। इसके अलावा बहुत और भी साधन है जिससे आप अपने एनिमल गाइड को पहचान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोने से पहले आप एक इंटेंट दीजिए कि आज मैं स्वप्न में अपने एनिमल गाइड से मिलूंगा और देखिए कि आपका एनिमल गाइड आपको स्वप्न में मिलने आएंगे। शायद वो एक बार में नहीं हो, पर अगर आप 2-3 बार रिपीट कर इस इंटेंशन को रात को सोने से पहले डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एनिमल गाइड आपको स्वप्न में जरूर मिलने आएगा। दूसरी चीज, आप कैसे जान सकते हैं कि आपका एनिमल गाइड कौन है? जिस एनिमल से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वो भी आपका एनिमल पर्सनल एनिमल गॉड है। तीसरी चीज, बचपन में आप किस एनिमल से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड थे वो भी आपका पर्सनल एनिमल गॉड है। जैसे एज अ चाइल्ड मुझे स्नेक से बहुत ज्यादा प्यार था, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट दे आर माय पर्सनल गॉड्स। स्नेक्स आर वेरी वेल यू नो टीचिंग मी इन सो मेनी वेज। और एक चीज हमें ये याद रखनी है कि हमारे पर्सनल एनिमल गॉड्स हमारी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे भूगोल का सब्जेक्ट एक संस्कृत पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं लेता, उसी प्रकार से क्वालिटीज के हिसाब से एनिमल गाइड्स भी आपको गाइड करने के लिए आते रहते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं सुंदरम स्पीक्स लिख रहा था तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं हर दिन मकड़ियों को अपने साथ महसूस करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां भी बैठा हूँ वहां पे मकड़ी दिखती थी, एक स्पाइडर दिखते थे। और जैसे हम किसी के घर गए, उन्होंने हमें एक फ्लावर अ प्लांट गिफ्ट किया, उस प्लांट का नाम था स्पाइडर प्लांट, राइट। सो दीज आर द साइंस दैट योर एनिमल गॉड्स आर ट्राइंग टू गिव यू। ये साइंस है, वो बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे बाद में जब मेरे को लगा कि हाँ स्पाइडर्स बहुत सारे मेरे को मैसेजेस दे रहे हैं, मैंने वो मैसेज चेक करने का कोशिश करा और मुझे पता चला इंट्यूटिवली साइकोसोमेटिकली और सिम्बॉलिकली जो स्पाइडर्स हैं वो क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करते हैं। और आप देखेंगे यही चीज मुझे चाहिए थी अपनी बुक को लिखने के लिए। आई नीडेड क्रिएटिविटी, आई नीडेड कम्युनिकेशन एंड दैट इज व्हाट दे ब्लेस्ड मी एज फार एज द सुंदरम स्पीक्स इज कंसर्न। सो फ्रेंड्स दीज डेज सुंदरम स्पीक्स इज स्पीकिंग अबाउट सो मैनी मैसेजेस, right from the plant kingdom to the animal kingdom and to the mineral kingdom. It is speaking about hum kaise insaan rehkar kaise apne utthan ki taraf ja sakte hain jabki hamare kai cheeze humne aise kari hain jisse hum apni srishti ko ek patan ki taraf lekar ja rahe hain. To agar aap bhi un sab sandeshon ko sunna chahte hain, I would invite ki aap Sundaram Speaks ke messages sunne ke liye live here and now YouTube चैनल पर जाएं और इन मैसेजेस को सुनें। आई एम श्योर आपका प्यार अपने और एनिमल किंगडम के जनों के लिए, प्लांट किंगडम के लिए, धरती माता के लिए और बढ़ बढ़ कर आएगा। सो ऑन दिस नोट आई थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।